very good afternoon to all of you dear students dear students in our today's maths class we are doing the topic multiplication with the help of split and addition method uh, dear students uh, today in our class third batch the, the uh, name of the book is maths magic 3 and in this uh, today's session this session is very important because um, some people usually find difficulties doing column method for the multiplication so uh, uh, pay your attention pay your concentration for the today's session आज जिस बच्चों को कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है उनको हम स्प्लिट एंड एडिशन मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे ठीक है तो ये देखिए ये आपकी एन बुक है इसमें पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी फाइव मैंने ये ओपन किया हुआ है इसको आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को ये सीखना है देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है टू टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास क्लास के हर ईच स्टूडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ईच मतलब वन क्लास के हर एक बच्चे को दो दो टॉफी बांटी गई है इफ दे वर थर्टी फोर स्टूडेंट्स अगर टोटल मिला के आपकी क्लास में थर्टी फोर बच्चे हैं तो हाउ मैनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल तो टोटल आप कितनी टॉफीज बांटेंगे तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यूजली आप लोग बर्थडे में जाते हैं बर्थडे में आप अपनी क्लास में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करते ही होंगे है ना तो आप थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि अगर मैं हर एक बच्चे को दो दो टॉफी दूंगा और मेरी क्लास में थर्टी फोर बच्चे हैं तो टोटल कितनी टॉफीज मुझे लेके चलनी है फिर कितनी टीचर्स हैं उनके लिए भी आप टॉफी लेके जाते हैं है ना करते हैं ना तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजली आप लोग फेस आउट करते हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है थर्टी फोर हर ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट वन स्टूडेंट गेट टू टॉफीज सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितनी टीज की आपको जरूरत पड़ेगी तो हमेशा मैं आपको क्या बताती हूँ कि ग्रुप को पहले रखा जाता है ग्रुप मतलब कितने ग्रुप हैं तो कितने स्टूडेंट्स हैं थर्टी फोर और हर एक बच्चे को जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट कॉस्ट यूनिट कॉस्ट या फिर यूनिट टॉफी है ना या फिर यूनिट ऑब्जेक्ट कोई भी यूनिट की जिसकी मतलब एक के बारे में जो बात होती है उसे बाद में लिखा जाता है अब आता है कि थर्टी फोर मल्टीप्लाई टू करना कैसे है देखो इसको करने के दो मेथड होते हैं एक मेथड हो गया आपके पास कॉलम मेथड और दूसरा मेथड हो गया, हो गया आपके पास स्प्लिट मेथड स्प्लिट मेथड जो होता है वो एडिशन से रिलेटेड होता है अब हम इनको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे पहले कॉलम मेथड थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई टू ये सभी बच्चों को पता है टू फोर चा एट फिर टू थ्री चा सिक्स आंसर इज सिक्स ठीक है बट स्प्लिट मेथड में कैसे करना है बेटा मैं बुक में ही कर रही हूँ बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगी आप लोग प्लीज बुक में मत करिएगा बस साथ ही साथ एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो अब स्पिट एंड एड मेथड क्या होता है ये देखिए स्पिड एंड एड मेथड क्या होता है कि आपको दिया गया है आपको करना क्या है थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई टू करना है आपको है ना तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो थर्टी फोर दिया गया है उस थर्टी फोर को हम लोग पहले थर्टी फोर को हम लोग क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे एक्सपेंशन फॉर्म सबको पता है ये वंस है ये टेंस है ठीक है तो जो टेंस में है थ्री यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू हो गई थर्टी और जो वंस में है यानी कि फोर उसकी प्लेस वैल्यू हो गई फोर तो इसकी एक्सपेंशन फॉर्म क्या बन गई थर्टी प्लस फोर तो हम क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे उसमें थर्टी फोर को एक्सपेंड कर दिया और जो दूसरा नंबर है टू उसको इधर एक्सपेंड कर दिया अब वंस है एक ही नंबर है तो उसका एक्सपेंशन तो सिर्फ टू ही रहेगा है ना नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एक बार को 30 से multiply करेंगे और एक बार टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमने टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी आंसर इज सिक्सटी फिर हमने टू मल्टीप्लाई बाई फोर किया तो टू फोर जा एट इज इंटेड आसान है ना एक बार टू को थर्टी से एक बार टू को फोर से उसके बाद 60 और एट जैसे ही हमारा आता है लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे 60 प्लस एट. तो आंसर आ गया बस yes. है ना आसान बच्चों इजी लगा सेम उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन अ पिकनिक फोर फ्रूट्स वर गिवन टू एवरी स्टूडेंट एक बार बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे है ना तो जो उनका टीचर होता है वो क्या करता है हर एक स्टूडेंट को चार चार फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है

आंसर तो करेंगे चाहे तो आप इसे से है ना? तो अगर आप स्प्लिट एंड करेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें ट्वेंटी थ्री को कैसे ब्रेक करेंगे आप ट्वेंटी प्लस थ्री ये देखो लिखा ट्वेंटी प्लस थ्री मतलब प्लस का साइन नहीं लगाने की जरूरत नहीं है उसके बाद जो फोर है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोर इंटू ट्वेंटी होता है थ्री जो ट्वेल्व होता है एट लास्ट एट्टी प्लस आंसर अब देखिए देख रहे हैं एक डिजाइन सा बनाया गया और हर डिजाइन में वन टू थ्री देखिए थ्री थ्री फ्लॉर्स है ना तो एक डिजाइन में थ्री हैं अ पीस ऑफ क्लोथ है टोटल डिजाइन कितने हाउ मेनी फ्लावर्स विन बी ऑन क्लोथ इस क्लोथ में टोटल कितने फ्लार्स हैं है ना तो देखेंगे आप ध्यान से मैंने आपको क्या बताया था टोटल ग्रुप्स कितने हैं तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पे सेवनटीन मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट यूनिट ऑब्जेक्ट यूनिट मतलब एक को लेके जो भी बात हुई है तो यहाँ पे आपने देखा है डिजाइन है थ्री फ्लार तो एक डिजाइन में थ्री फ्लार्स हैं, तो यूनिट आ गया यहाँ पे सेवनटीन इंटू थ्री ठीक है फिर सेवनटीन इंटू थ्री आप कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में बता देती हूँ सेवनटीन का एक्सपेंशन फॉर्म टेन प्लस सेवन टाइन खींच के है ना और जो थ्री है वो यहाँ पे आ जाएगा फिर थ्री को टेन से करेंगे थ्री टेन जय थर्टी थ्री को सेवन से करेंगे थ्री सेवन जय ट्वेंटी वन एट लास्ट थर्टी प्लस ट्वेंटी वन कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा फिफ्टी वन है ना आसान आपके लिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैनी थिंगस आर सोल्ड बाई द डजन फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स एंड बनाना सोल्ड बाई द डजन आपसे बहुत सारी चीज़ें डजन में बेची जाती हैं डजन मतलब हिंदी में कहते हैं दर्जन कहते हैं ना एक डजन में कितने के एक दर्जन में जैसे कि बनाना वन डजन बनाना मीन्स ट्वेल्व बनानास डजन का मतलब होता है बारह डजन वर्ड जो यूज होता है डेट मीन्स ट्वेल्व जैसे कि बनाना डजन में बिकते हैं एक्स आपने देखा होगा एक डजन में बिकते हैं डजन में बिकते हैं यानी कि वन डजन एक्स मीन्स ट्वेल्व एक्स वन डजन बनाना मीन्स ट्वेल्व बनाना तो उसने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर वन डजन बनाना जैसे कि ट्वेल्व बनानाज होते हैं तो ट्वेंटी थ्री डजन बनानाज में कितने बनानाज होंगे तो अब सिंपल सी बात है वन डजन में कितने हो गए आपके पास ट्वेल्व बनानाज तो आपसे क्या पूछा गया है ट्वेंटी थ्री डजन में कितने होंगे मैंने आंसर किया क्या तरीका सिखाया आपको पहले ग्रुप लिखा जाता है ग्रुप कितने का है ट्वेंटी थ्री का और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको यूनिट कॉस्ट यानी यूनिट ऑब्जेक्ट यूनिट मतलब वन तो आप देख रहे हैं वन डजन में कितने हैं ट्वेल्व तो ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेल्व इसको आपको सॉल्व करना है अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेल्व को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम किसकी एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे बच्चों ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री की एक्सपेंसिव फॉर्म क्या होती है ट्वेंटी प्लस थ्री सबसे पहले ट्वेंटी थ्री को एक्सपेंड करिए ट्वेंटी प्लस थ्री और देखो यहाँ पे लिख दो ट्वेंटी प्लस थ्री ठीक हमने गुड नेक्स्ट वन है ट्वेल्व अब ट्वेल्व की एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है टेन प्लस टू इस समय इस क्वेश्चन में आपको पीछे वाला जो नंबर दिया उसको भी एक्सपेंड करना है अब टेन प्लस टू को कहाँ लिखेंगे इस तरह से टेन प्लस टू यानी कि टेन एंड टू अब इसको सॉल्व करना है अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान है पहले टेन को ट्वेंटी से करिए टेन इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा यस दिस इज एक एक जीरो 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 इसका इसका दो आ गए टू टू. अब 10 को किससे करेंगे थ्री से थर्टी ठीक जैसे टेन का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन टेबल हमने सॉल्व की ऐसे ही टू की भी करेंगे अब टू को किससे करेंगे ट्वेंटी से टू को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी फिर टू को थ्री से करोगे तो कितना आएगा टू थ्री जा सिक्स क्लियर हो गया अब आंसर कैसे आएगा कोई दिक्कत नहीं है जैसे हम इन क्वेश्चन में कर रहे थे थर्टी प्लस ट्वेंटी यहाँ पे हम इन चारों को सॉल्व कर देंगे इन चारों को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए चारों को सॉल्व करिए टू हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस थर्टी प्लस सिक्स आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सिक्स 3, को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा बेटा आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आज का आपका होमवर्क क्या है आज का टास्क क्या है ये देखिए पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट वन हंड्रेड थर्टी एट में ये जो क्वेश्चन दिए हैं वन टू थ्री इन तीन क्वेश्चन को आपको करना है बिल्कुल इसी मेथड से सेम मेथड से करना है ठीक है तो आज के इतना ही थैंक यू एवरीवन बाय बाय